मीठे बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है ना, और बाप समान मीठा बनना है, और कौन सी समझ रखनी है बुद्धि में कि ड्रामा का हर जो सेकंड बीता वो ड्रामा में पार्ट था, है ना। ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा बना बनाया है, जो भी ड्रामा में हर सेकंड पार्ट नोंदा हुआ है वो चलता है। जब हम देहाभिमान की दुनिया में रहते हैं तो हमें हर ड्रामा के सीन को अच्छा या बुरा कहने के का एक संस्कार बनता है ना? कोई भी चीज़, चाहे हम किसी दूसरे का पार्ट देखते हैं या अपने पार्ट को देखते हैं, तो जो भी दूसरे का पार्ट होता है उसमें भी हम हमेशा ये अच्छा है ये बुरा है ये अपने अंदर जैसे चिंतन चलाते रहते हैं, और फिर जैसे ही कहते हैं ये बुरा हुआ या बुरा हो रहा है तो फिर चिंता करते हैं, और फिर अपने पार्ट में भी जो बीत गया, एक सेकंड पहले भी बीता, तो सोचेंगे ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो बीत गया, जिसको बदल नहीं सकते, जो हो गया उसको सोचने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो तो बीत गया। अब उसको आप अच्छा कहें बुरा कहें, बुरा कहेंगे तो दुख उठाएंगे, चिंता लग जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो ड्रामा को फुल स्टॉप लगाना, जो भी बीत गया उसमें फुल स्टॉप लगाना, ताकि हमारा जो वर्तमान है, देखो अभी हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान का कर्म है, और अगर हम देखें तो हमारे हाथ में सिर्फ एक सेकंड है, अभी वाला सेकंड। जो बीत गया, जो आने वाला है, वो सब अभी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हम वर्तमान में बीती बात का चिंतन करते रहेंगे, बीती बात का की चिंता करेंगे, तो फिर वर्तमान का जो कर्म है उस पर भी उस चिंता का प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए बाबा ने हमें कहा कि जो बीत गया उसको हमें जैसे बिंदी लगा देनी है, वो अच्छा नहीं है बुरा नहीं है, वो जो है सो है, बस, है ना। ऐसी धारणा पक्की हो गई है, जो बीत गया उसको एनालाइज नहीं करते, एनालाइज करते ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, कितना भी आप एनालाइज करें, वो जो है सो है, उसको आप परिवर्तन तो कर नहीं सकते। और अगर आपको लगता है आपको भविष्य में कुछ और चाहिए, तो वो भी श्रीमत पर चलने से होगा, अतीत को चिंतन करने से नहीं होगा। तो बाबा कहते इसीलिए अतीत को कुछ भी नहीं करना है, और ये मैंने जो अभी तक जो अनुभव किया वो यही है कि ड्रामा में कोई भी सीन जब आती है तो हम अपने संस्कारों अनुसार कहते हैं ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था ये होना चाहिए था, तो ये सारी बातें हम कहते हैं। लेकिन वास्तव में ड्रामा के राज को आप नहीं जानते, है ना। कई बार ऐसा लगता है ये जो हुआ ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन आगे उसका राज देखते हैं तो उस कारण से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब सोचते ये बहुत अच्छा हुआ, तो कई बार उस अच्छे के मोह में पड़ के अपना पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जो भी कुछ हुआ उसको ये समझो कि ड्रामा सब कल्याणकारी है और उसको फुल स्टॉप लगाना है मुझे। अब बाबा कहते हैं ये जो धारणा है ये हमारे अंदर पक्की नहीं होती, हम हमेशा फिर भी चक्कर में पड़ जाते हैं, है ना, अच्छा हुआ बुरा हुआ के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो
तो बाबा आज कहते बुद्धि में ये ड्रामा का ज्ञान रखने से कि जो भी हुआ वो ड्रामा में पार्ट था, वो अच्छा या बुरा नहीं है, सब ड्रामा में जैसे प्रीफिक्स्ड है वो पार्ट ऐसा ही है, इस प्रकार से चलने से हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। और इसमें हमें एक बात समझनी है, देखो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अभी पीछे एक माता ने मुझे बताया कि 27 वर्ष शादी के बाद, है ना, युगल ने कहीं, यू कहती युगल का अब इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, अब किसी और के साथ उनकी बहुत, है ना, अच्छे संबंध हो गए हैं और वो उधर ही ज़्यादा समय देते हैं, उधर ही रहते हैं। तो उस प्रकार की एक परिस्थिति 27 वर्ष के बाद आ गई। तो वो मुझे कहती कि रो रो कर कहती कि मुझे बहुत दुख होता है। तो मैंने कहा आपको क्यों दुख होता है? तो कहती कि अब मेरे से क्या ऐसी गलती हुई जो ऐसे इतने सालों के बाद, है ना, युगल ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप कितना भी दुखी हो पर अंत में बात यही है कि अब जो है सो है। फिर वो मुझे कहती मैं ऐसा क्या करूं जो वो दोबारा जैसे हमारा रिलेशनशिप नॉर्मल था ऐसे हो जाए। तो मैंने कहा वो तो कोई चीज़ गारंटी नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं है कि कभी हो नहीं सकता, हो भी सकता है कि ड्रामा में आगे अगर होगा तो हो भी जाए, लेकिन अभी वर्तमान में कोई आपके प्रयत्न से आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो मुझे कहती कि मैं क्या करूं? तो मैंने कहा ये बात कितने समय हो गई? तो कहती इस बात को अभी 1 वर्ष हो गया। तो मैंने कहा इस 1 वर्ष में क्या क्या किया? तो कहती मैं बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, मैंने बहुत टोने टोटके सब करवाए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ दीदी। तो मैंने कहा हाँ कुछ नहीं होगा ना, अब किसी का जो भी पार्ट है जब वो बदल जाता है तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आपको उसको स्वीकार करके नई जो परिस्थिति है उसके हिसाब से निर्णय लेने होते हैं। हम लोग इसको सरल भाषा में कहते हैं संबंध में रीनेगोशिएशन करना पड़ता है ना। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर इसको आज अच्छे से समझेंगे, जब भी हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो वो रिलेशनशिप एक प्रकार का अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है ना, लिखा पढ़ी तो नहीं होती लेकिन एक तरह से आपको मालूम है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, कि ये व्यक्ति इस प्रकार से आपके साथ चलेंगे और आप इनके साथ इस प्रकार से चलेंगे। फिर कोई परिस्थिति चेंज होती है, कोई सीन चेंज होती है ड्रामा की, तो फिर आप उस नई परिस्थिति के हिसाब से उस संबंध में रीनेगोशिएशन कर लेना चाहिए, है ना। अपने अंदर अंदर आपको समझ जाना है ये नई परिस्थिति है, इसमें इस प्रकार से हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। तो मैंने कहा अभी न्यू सिचुएशन में क्या क्या चेंज आया है? तो कहती वो कभी घूमने जाने के लिए नहीं कहते, कभी बाहर जाने के लिए नहीं कहते, पहले ये चीज़ें बहुत होती थी। तो मैंने कहा हाँ तो अब आपको समझ आ गया है, बाकी आपको तो कोई घर से निकलने के लिए नहीं कहते। तो कहते नहीं वैसे कोई बात नहीं करते। तो मैंने कहा और तो कोई बात भी नहीं है ना, बस इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते और इस प्रकार से चलते हैं, तो आप इस बात के साथ अब ओके हो जाओ। फिर कहती मेरी ईगो बहुत हर्ट होती है, मुझे लगता है कि मुझे घर छोड़ देना चाहिए। तो मैंने कहा 27 साल आपने लगाए उस घर को बनाने में, अभी आप क्यों छोड़ के चले जाओगे, बेटर हो वहाँ पे, है ना, अभी कहाँ दर दर भटकोगे इतनी आयु में, अभी आपको भी ओवर 50 हो रहा है, आप कहाँ जाओगे और क्यों जाओगे, आपने उस घर को बनाया, आप आराम से वहाँ बैठो। तो फिर वो कहती लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा क्यों क्यों करने से भी कुछ नहीं होगा, इसलिए किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। फिर मैंने उसको बताया कि देखो ये तो चलो युगल की बात है तो आप ऐसे पूछेंगे कि क्यों हुआ या मेरे से क्या गलती हुई, लोग अकाल मृत्यु हो जाती है, शरीर छोड़ के चले जाते हैं, है ना, कोई बीमारी हो जाती है, व्यक्ति रहता है मेंटली अवेलेबल नहीं होता, मेंटल इलनेस हो जाती है, उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है,
उसमें भी तो व्यक्ति एडजस्ट करता है ना। तो ये तो ड्रामा की सीन है, इसमें इतना दुख नहीं उठाना होता है। और जितना दुख उठाएंगे उसमें क्या होता, फिर दुख लेंगे तो उस हिसाब से हमारे जो असर आता जाएगा हमारे वर्तमान कर्मों पर, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म उस प्रकार से चलेंगे और वैसा ही भविष्य भी बनेगा। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छे से समझना होता है कि ड्रामा की सीन में, अब देखो हमारे अंदर ये है कि कोई अच्छे से घूमना फिरना चले तो संबंध ठीक है, घूमना फिरना ना हो या कोई आत्मा जो है उनसे बात करो तो ठीक से जवाब ना दें तो फिर वो संबंध ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, पहले भी ठीक है, अभी भी ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है ना। फिर मुझे कहती है कि मैं उनका खाना ना बनाऊं अब अब मुझे उनका खाना नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने कहा वो तो आपको देखना पड़ेगा आपके हालात कैसे हैं, अगर आप खाना ना बनाएं तो भी आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता तो आप ना बनाएं भले। तो फिर मैंने उसको पूछा मान लीजिए आप खाना नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, तो कहते मुझे महीने का खर्चा नहीं देंगे। तो मैंने कहा वो तो आपको चाहिए ना तो आप खाना बनाओ वो खर्चा देंगे। यही तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि नया कॉन्ट्रैक्ट है, हर चीज़ को सोच समझ के करो कि आपकी पोजीशन क्या है, आप किस हिसाब से कितना बार्गेन कर सकते हैं। हम एक कंपनी में भी जाते हैं तो बार्गेन करते हैं ना, हम देखते हैं कि भाई मेरे पास ये स्किल सेट है, मैं इतनी सैलरी तो अड़ जाते हैं तो वो देते हैं अगर उनको गरज होती है। ऐसे ही आज संबंधों में भी है कि जब आप, जब चीज़ें वैसे बिना वैसे चल रही है तो ठीक है, अगर कोई बात नहीं होती है तो उस हिसाब से आप अपनी चिंताधारा को, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है, अपनी जो उस संबंध में अवेलेबिलिटी है, उस सबको भी आपको थोड़ा रिविजिट करना पड़ता है। और फिर वो कहती है कि मुझे ये मजबूरी की जीवन अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा ये कोई आपकी मजबूरी थोड़ी है, ये तो एक डिसीशन है जो आप ले रहे हैं सोच समझ के, है ना। मजबूरी क्या है, मजबूरी तो हम सब ड्रामा में बंधाए मान है। बाबा कभी कहता है हम मैं मजबूर हूँ, मुझे आना पड़ता है इन पतितों को पावन बनाने। बाबा की कितनी बड़ी मजबूरी है ना सोचो आप कभी विचार करके देखना, आप बाबा की जगह होते हाँ तो आप ये चॉइस लेते परमधाम का, अपना शांति देश छोड़ के यहाँ आके हमारे साथ इतना माथा पच्ची करो, इसको समझाओ उसको समझाओ। तो कहना चाहे तो बाबा भी कह सकता है मेरी कितनी मजबूरी है, एक तो ये समझते नहीं है, फिर इनको समझा के देवता बनाने की जिम्मेवारी मुझे दे दिए, है ना। लेकिन मजबूरी समझने से क्या होगा, मजबूरी क्यों सोचनी है, सोचना है ये पार्ट है, इस प्रकार से चलेगा। तो ये जो पार्ट है, जैसे दुनिया में भी एक्टर्स होते हैं तो उनको कोई कैरेक्टर दिया जाता है तो उस चैलेंज को निभाते हैं ना कि इसमें इस प्रकार से एक्टिंग करनी है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से आपको जिस भी प्रकार की सेटिंग मिली, स्क्रिप्ट मिली, रोल मिला, उस हिसाब से आप बेस्ट पार्ट कैसे बजाएं वो आप देखो। और सबसे बड़ी बात क्या है, विचार करके देखो कि आज हम एक्टर को पार्ट बजाना कौन सिखा रहा है, हम एक्टर को पार्ट बजाना सिखा रहे हैं सुप्रीम डायरेक्टर। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम मेरी डायरेक्शन में डिफिकल्ट रोल क्यों नहीं प्ले कर सकते, तुम्हारा पार्ट डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है, तुम्हें बहुत चैलेंजिंग रोल भी मिला है तो भी मैं तुम्हें डायरेक्शन देने के लिए बैठा हूँ ना। तो मैं जब डायरेक्टर बैठा हूँ मैं तुम्हें कदम कदम पे डायरेक्शन दे रहा हूँ, ऐसे चलो ऐसे नहीं चलो, ऐसे करो ये नहीं करो। तो फिर और शक्ति भी भर रहा हूँ तुम्हें, कला भी भर रहा हूँ, गुण भी भर रहा हूँ, ज्ञान भर रहा हूँ, तुम्हें क्या नहीं दे रहा हूँ तो भी तुमसे पार्ट नहीं बजाया जा रहा है, इतनी क्या मुश्किल हो गई है ना। मैंने उसको कहा आप मुझे बाबा 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 की जो इंस्ट्रूमेंट को आप जब भी फ़ोन करेंगे हम आपको श्रीमद बता देंगे, इस प्रकार से चलो, है ना। आप कोर्स करो और यात्रा शुरू करो, बाबा ने जो हमें सिखाया है हम आपको हर समय बताने के लिए रेडी हैं।
तो फिर आपको क्या परेशानी, आप अपना पार्ट बजाओ। और जो भी हमें पार्ट मिला है, पार्ट डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन डिफ़िकल्ट पार्ट बजाएंगे तभी तो हमारी वाहवाही होगी, है ना। वाहवाही होगी, और वाहवाही तब होगी जब हम डायरेक्टर के डायरेक्शन पे अच्छे से अच्छा पार्ट बजाएं। तो बाबा आज हमें कितनी सुंदर बात कहते, बाबा कहते कि एक तो एक्टर को बाबा नशा कितना चढ़ाते कि तुम हो परम पिता परमात्मा की संतान, है ना, मीठे से मीठे बाबा के बच्चे हो तुम, तो तुम्हें कैसे रहना है, तुम कैसे हो, वो बाबा हमें समझा देते हैं। और फिर बाबा हमें कहते, जो बच्चे मुझे याद करते हैं, जो मेरे बनते हैं, उनको मैं भी याद करता हूँ। और ऐसे बच्चे जिनको बाबा याद करता है, तो बाबा तो सागर है ना, ज्ञान गुण शक्ति का सागर है, तो बाबा जब याद करते हैं तो बाबा की याद से तो हमारी झोली भर जाती है। तो बाबा कहते, ऐसे बच्चे को कभी पाठ बजाने के लिए कोई कमी नहीं होती। लेकिन बाबा हमें एक जो बहुत अच्छी बात आज समझाते हैं, वो ये है कि मेरा बनने के लिए, मेरी याद में रहकर पाठ बजाने के लिए और मेरी याद खींचने के लिए तुम्हें मरजीवा बनना पड़ेगा, है ना। तो जो मरजीवा नहीं बनते, माना बुद्धियों पुराने संबंधों में, पुरानी दुनिया में अटका पड़ा है, बाबा का बनकर नहीं रहते, तो फिर पुरानी दुनिया में दुख में धक्के खाते हैं, है ना। बाबा कहते, तुम्हारे जो भी पार्ट है, तुम सिर्फ बुद्धि योग वहाँ से निकालो, कैसे बजाना है उसी पार्ट को बजाते हुए, कैसे देवता बनना है, हिसाब किताब चुक्त करने है, सब कुछ मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा बन के रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि फिर तुम वहाँ एक्सपेक्टेशन और पुरानी दुनिया और पतित आत्माओं के चक्कर में पड़े रहो और वहाँ दुख उठाते रहो, पाप बनाते रहो, क्योंकि गंदगी में तो सिर्फ मैले होंगे ना। अगर गंदी दुनिया के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो समय प्रति समय सिर्फ मैले होते रहेंगे। तो बाबा कहते, वो नहीं करना, बस बस तुम्हें मरजीवा बनना पड़ेगा। पुरानी दुनिया में तुम्हारी दिल नहीं होनी चाहिए। अगर पुरानी दुनिया में तुम्हारी दिल नहीं है तो कोई मुसीबत नहीं है, तुम वो भाग्यवान बच्चे हो जिनको मैं सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, तुम बेहतर से बेहतरीन पाठ संगम युग में भी बजाएंगे और फिर 21 जन्म सुख के अधिकारी भी बन जाएंगे। लेकिन ये बात आज बाबा हमें सिखाते हैं कि पुरानी दुनिया में लगाव होगा तो फिर बाबा नहीं बचा सकेंगे। मुझे भी कल वो कह रही थी ना ऐसे कि अब देखो दीदी, ये तो है ना कि दिल में आता है कि उनको मेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा, अगर ये संकल्प आप रखेंगे तो हम आपको मदद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो चाहिए। अगर आप सोचेंगे उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बाबा ने हमें जो श्रीमत दी है वो ये है कि तुम फुल स्टॉप लगाओ। अगर तुम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो तुम पास्ट में जा जा के दुख उठा के लाएंगे, फिर बाबा का सुख भी भासेगा नहीं। संगम युग में है लेकिन संगम युग का सुख नहीं मिलेगा। और फिर बाबा हमें ये भी कहते कि जब हम पास्ट को चिंतन करते रहते तो हमें गुस्सा आता है ना। क्योंकि कई बार मैंने ये बात समझाई कि जहाँ दुख होता है, दुख धीरे धीरे अपना विक अपना किसी को ढूंढता है जिसको हम ब्लेम करें अपने दुख के लिए, है ना। दुख हमेशा किसी को फिर धीरे धीरे ढूंढेगा कि इसके कारण से हुआ, उसके कारण से हुआ, तो आप ब्लेम करेंगे और गुस्सा करेंगे। और बाबा कहते, गुस्सा करेंगे तो गुस्से में क्या करेंगे, अपने कर्म बिगाड़ेंगे। तो बाबा कहते, इसीलिए समझो कि पास्ट को बिंदी लगानी है, किसी को ब्लेम नहीं करना, हमें कोई गुस्सा नहीं करना। जैसे मेरा बाबा मीठा है हर परिस्थिति में हर आत्मा के साथ, ऐसे मुझे भी सदा निर्विकारी होकर चलना है, क्योंकि मुझे मेरा भाग्य बनाना है। और दूसरी बात है, देखो किसी भी आत्मा के कर्म आप देखते हैं, ठीक है, तो उन कर्मों को देखकर आपको दुख होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये कर्म ठीक नहीं है,
लेकिन जब आप उसके उसके प्रभाव में आ जाते हैं, रिएक्शन में आते हैं, तो आप वही कर्म खुद भी करते हैं। और फिर जब आप खुद वो कर्म करेंगे जो आपको मालूम है कि ठीक नहीं है, तो आपके अंदर गिल्ट भी आएगा और आपका कर्म भी बिगड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कुछ भी होता है, तुम्हें अपने बाप समान रहना है, बाबा की याद में रहना है, सदा निर्विकारी रहना है, खुद के हाथ में कभी लौ नहीं उठाना, कोई विकर्म नहीं करना, तो ना दुख उठाना है ना गुस्सा करना है। तो ये बाबा ने आज हमें समझाया। और बाबा ने ये भी कहा कि मरजीवा जन्म में बाबा तो हमें सुप्रीम डायरेक्टर पार्ट बजाना सिखा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा बुद्धि योग नहीं है बाबा के साथ, पुरानी दुनिया में बुद्धि योग अटका पड़ा है, तो हम संगम युग के सुख नहीं अनुभव करेंगे, हम वही पुरानी दुनिया के दुख अनुभव करते रहेंगे। और विचार करो, बाबा आया है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, और हम संगम युग में भी दुखी रहें क्योंकि हमारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से नहीं निकल रहा है ना। तो सोचो, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि संस्कार जो हैं वो साथ चले जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान के संस्कार भी साथ ले जाते हैं। तो ये तो ठीक है कि ज्ञान के संस्कार, और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि आत्मा जो है वो ज्ञान सुनती है ना। देखो, कान शब्द सुनते हैं, कान शब्द सुनते हैं, उन शब्दों में जो ज्ञान है वो आत्मा सुनती है। उन शब्दों का जो अर्थ है, जो उसमें ज्ञान समाया हुआ है, वो तो आत्मा समझती है, आत्मा धारण करती है ना। शब्द तो क्या होते हैं, उसमें कोई क्या नॉइज़ है ना, साउंड है, लेकिन उन शब्दों के अंदर जो तंत है वो तो आत्मा ही अपनी बुद्धि से समझती है। और ज्ञान सागर बाबा के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है वो बाबा हमें मुख से देते हैं, और हम आत्मा कानों से उस ज्ञान को धारण करते हैं और साथ लेकर जाते हैं। और बाबा कहते हैं ज्ञान के संस्कार जो हैं वो आत्मा में धारण हो जाते हैं और फिर वो साथ जाते हैं। अब दुनिया में भी देखो, कोई वैसे भी ज्ञान होता है, जैसे आज बाबा ने कहा शास्त्रों को भी कोई ऐसा होता है जो कंठ किया होता है, तो अगले जन्म में छोटेपन में फिर शास्त्र देखेगा तो जैसे उसको स्मृति में आएगा और वो उसको पढ़ने लगेगा, सुनाने लगेगा। ऐसे तो बहुत केसेस, हम आजकल कितने वीडियोस सर्कुलेट होते हैं, कितना कुछ होता है जिनमें ये बातें हम देखते हैं। लेकिन आज जो संस्कारों के विषय में जो बात मैं विचार कर रही थी वो ये है कि ठीक है, संस्कार तो जन्म पर जन्म हमें मिलते हैं। तो ज्ञान में हम कहते हैं पांच प्रकार के संस्कार होते हैं। एक तो मूल संस्कार है ना, एक पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं जो आत्मा लेकर आती है, और फिर इस जन्म में भी जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, जिस वायुमंडल में हम रहते हैं, उसके संस्कार होते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई से, संघ से, वो संस्कार भी अलग बनते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है वो है विल पावर के संस्कार। और बाबा कहते हैं इस समय जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें विल पावर देते हैं, बाबा हमें बुद्धि देते हैं, बुद्धि में विल पावर जागृत होती है। और बाबा कहते हैं इस समय तुम जो संस्कार बनाना चाहो बना सकते हो। और बाबा हमें सर्व दैवी संस्कारों का ज्ञान देते हैं, बल देते हैं, और हम जो संस्कार अपना बनाना चाहें वो बना सकते हैं। भले हम कैसे भी वायुमंडल में रहते हैं, कैसी भी आत्माओं के संग रहते हैं, लेकिन हम जैसे संस्कार बाबा हमें दे रहे हैं, अगर हम उनको धारण करना चाहते हैं तो हम इस समय कर सकते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो जन्म है, जब ज्ञान सागर आकर हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान के आधार से हम जो संस्कार बनाना चाहें
बना सकते हैं, ये जन्म बहुत दुर्लभ जन्म है ना। तो ये हमें थोड़ा समझना है। और फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते कि जैसे साइंस के बल से कोई भी आत्मा कहीं भी बैठी हो, है ना, लेकिन साइंस के बल से आप नज़दीक अनुभव कर सकते हैं। और हम तो साइंस का बल देख रहे हैं ना, आप अपने अपने स्थानों पर फिजिकली बैठे हुए कहाँ बैठे हो, है ना, अभी सेंटर पर बैठे हो अभी जैसे इमर्ज हो जाते हो बिल्कुल सेंटर पर, और हम बातचीत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सब कुछ बाबा की मुरली का मंथन कर रहे हैं। तो ये साइंस की शक्ति है। तो बाबा कहते हैं जैसे साइंस की शक्ति से आप किसी भी आत्मा को कहीं भी इमर्ज करके और कहीं पर भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। आजकल तो वीडियो कॉलिंग और व्हाट्सएप कॉलिंग और पता नहीं कितने सारे माध्यम हो गए हैं ना, जिसको हम फेस टाइम कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो फेस टाइम तुम करते हो तो साइंस के आधार से तुम कहीं भी किसी भी आत्मा को देख सकते हो, सुन सकते हो और उनके साथ लेन देन कर सकते हो, है ना। लेन देन हर प्रकार की इस ऐसे हो पाती है। फ़ोन पे भी आप किसी को सुख भी दे पाते हो, आज दुख भी दे पाते हो, है ना। व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज के भी सुख दे पाते हो, दुख दे पाते हो। तो बाबा कहते हैं साइंस के साधनों के आधार से तुम इतना कर पाते हो। तो यहाँ भी रूहानियत की शक्ति से भी तुम कितनी भी दूर बैठी हुई आत्मा को जैसे सम्मुख लाकर और उस आत्मा के साथ तुम जैसे देखना, सुनना, लेन देन सब कुछ कर सकते हो। तुम उस आत्मा को कोई बात कहना चाहते हो कह सकते हो, तुम उसे इमर्ज करके सम्मुख देख सकते हो, तुम जो भी लेन देन करना चाहो स्नेह की शक्ति की उस आत्मा के साथ तुम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बाबा ने हमें कहा कि हमें मास्टर सर्वशक्तिवान की अवस्था में रहना है और संपूर्ण अवस्था होनी चाहिए और मन की स्वच्छता होनी चाहिए, है ना। बाबा ने कहा मन स्वच्छ हो, संकल्प संकल्प जो है वो स्वच्छ हो। तो बाबा ने कहा सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। अब आप देखो कि जैसे दुनिया में भी कोई साइंस का भी साधन होता है तो उसमें भी अगर वायरिंग में इंटरफेरेंस होगी, है ना, अगर कनेक्शन में सिग्नल की डिस्टरबेंस होगी तो फिर सिग्नल पकड़ता नहीं। अभी इंटरनेट में अगर डिस्टरबेंस होगी तो आप यहाँ ऐसे एकदम से इमर्ज नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही यहाँ भी एक तो पावरफुल स्थिति हो, एंटीना पावरफुल हो, है ना। तो अपनी जो अवस्था है वो मास्टर सर्वशक्तिवान की हो, संपन्न और संपूर्ण हो और फिर संकल्पों की स्वच्छता हो। बाबा ने हमें एक शब्द बताया है, तुम्हारी जो हर आत्मा तक पहुंचने की जो वायरलेस है ना, उसका आधार है वॉइसलेस। जितना हमारी वॉइसलेस की वायरलेस है, हमारी आत्माओं के साथ जो रूहानी कनेक्शन है या जो हर आत्मा को इस सूक्ष्म रीति से रूहानियत के बल से संदेश देने की जो मशीनरी है उसमें हमें कौन सी वायरलेस चाहिए, वॉइसलेस की वायरलेस। अगर कोई भी विकार नहीं है, अंदर स्वच्छता है, दिल की स्वच्छता है, संकल्पों की स्वच्छता है, तो आप किसी भी आत्मा को कभी भी जो भी आप उसको सम्मुख या फ़ोन से या जैसे भी कहना चाहते हो वो वैसे भी इमर्ज करके कह सकते हो। और मुझे याद है एक अव्यक्त मुलाकात में प्यारे बाप दादा दादियों को कह रहे थे कि ये जो जैसे जैसे सेवा की वृद्धि होगी, तो जैसे सेवा की वृद्धि होती है तो सेंटर्स खुलते हैं, कितने अनेकानेक सेंटर्स होते हैं, तो जो निमित्त आत्माएं होती हैं उनको क्या करना पड़ता है,
हर सेंटर पर है ना, फ़ोन करो, खबर लो, सब चीज़ें पता करो, ठीक चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो फिर बाबा कहते कि कितने फ़ोन करेंगे, धीरे धीरे इतनी सेवा को वृद्धि हो जाएगी कि रोज़ एक फ़ोन करना भी हर सेंटर पे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी व्यवस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था में कितनी खबर लेंगे, क्या करेंगे। तो इसीलिए ये जो वॉइसलेस की वायरलेस है, उसी से ही कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि हर आत्मा को रास्ते पे ठीक चले उसके लिए क्या चाहिए, प्रेरणा चाहिए, शक्ति चाहिए, स्नेह चाहिए, पालना चाहिए, तो वो सब भी आप इस आत्मिक स्थिति से दे सकते हैं। और ये जो अवस्था है, ये हर ब्राह्मण बच्चा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अनुभव तो करता है ना, कि संकल्प शक्ति से भी आप या कार्य कर पा रहे हैं या किसी आत्मा को संदेश दे पा रहे हैं। लेकिन ये जो अवस्था, ये स्थायी रहे और इस मशीनरी से हम बहुत कार्य कर सकें, उसमें चैलेंज रहता है ना, वो हमें थोड़ा अभ्यास करना है कि अवस्था स्थायी रहे। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ, मैं श्योर हूँ कि आपके भी ऐसे बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, लेकिन एक छोटा सा अनुभव मैं सुनाती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक माता आती थी, तो उसके जो युगल थे वो सरकार में बड़ी पोजीशन में थे, तो वो माता कई बार आती और युगल जो है वो आते ही नहीं सेंटर पर, ऊपर है ना, नीचे ही रहते और माता को लेकर आते वो ऊपर आती और वो नीचे रहते। तो पहले एक बार शायद मैंने उस माता को कहा आप उनको लाते, तो वो बोली कि दीदी वो कंफर्टेबल नहीं है, वो जब कंफर्टेबल होंगे तो वो आएंगे। तो ऐसे करके फिर वो बात छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी, उन्होंने भी छोड़ दी, हर बार वो माता आती, युगल नीचे रहते और वो आती। फिर ऐसे लगभग मेरे ख्याल से 14-15 बार वो माता आई, और उसके बाद एक दिन ऐसे ही मुझे, जैसे माता आई तो मुझे संकल्प आया कि इनके युगल क्यों नहीं आते। तो मैंने उनको कहा आप है ना रुको, मैं आपके युगल को बुला कर लाती हूँ नीचे से। मैंने उनको कहा आप बैठो, मैं उनको जाती हूँ नीचे, बुलाती हूँ, तो कैसे नहीं आएंगे, आएंगे ज़रूर, जब जाके बुलाएंगे। तो मुझे ऐसा आता है कि बाबा के घर में आते हैं तो नीचे क्यों खड़े रहें, आना चाहिए ना। तो जैसे ही मैंने उनको ऐसा कहा, घंटी बजी और उनके युगल आ गए। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा आप कैसे आ गए, आप तो हमेशा मना करते थे। तो मुझे कहते कि पता नहीं, आज मुझे ऐसा लगा ना, आज नहीं जा सकता, आज वापस ऐसे जा नहीं सकता, आज पाप हो जाएगा जाने से। तो ऐसे मुझे एक खींच सी हुई तो मैं आ गया। तो पहली बार वो आए और इस प्रकार से आए। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो संकल्पों से, तुम्हें कोई फ़ोन निकाल के या जाके भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी अंत में इतनी सेवाएं होंगी तो स्थूल रीति से कितनी सेवा कर सकेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो सारा कार्य है ये रूहानियत की शक्ति से चलेगा। तो और हर ब्राह्मण बच्चे को अनुभव भी होता है कि कभी कभी जब अवस्था अच्छी होती है तो ये संकल्पों की मशीनरी भी बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जहाँ अपनी स्थिति ठीक नहीं होती तो ये वायरलेस भी काम नहीं करती। और आजकल तो दुनिया में सुनने को आता है कि मिसकम्युनिकेशन बहुत हो रहा है, कहते हैं ना हमने तो ऐसा कहा भी नहीं, हम तो ऐसा सोच भी नहीं रहे, पर उनको ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अपनी अवस्था और संकल्पों में अशुद्धता, उस कारण से, क्योंकि अपने अंदर ही सोच बोल कर्म में जो तालमेल है वो ठीक नहीं है, इसी कारण सामने वाले को भी मैसेज जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग जाता है ना, क्योंकि क्या होता है 2 दिन सोच रहे थे क्यों आ गए, क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आज आने वाले, आपने मन बना लिया कि ठीक है अब आ रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आ ही रहे हैं। अब वो आने के बाद उनको 2 दिन के भी समझ में आ रहा है मैसेज और आज का भी आ रहा है, और फिर वो कह रहे हैं आपका दिल नहीं था क्या कि हम आए, तो आप कह रहे हैं आज तो मैंने पूरा मन बनाया था एक्सेप्टेंस का कि आज ही आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो जो 2 दिन आप कंफ्यूज थे उसका क्या।
तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमारे संकल्पों में जब एकरसता नहीं होती या शक्तिशाली अवस्था नहीं है तो बहुत इंटरफेरेंस होती है, तो फिर उस हिसाब से जो संकल्प की कम्युनिकेशन है वो भी ठीक नहीं रहती, और फिर बोलना सुनना लेन देन जो आप चाहते हैं उस प्रकार से नहीं हो पाती। ओके, ओम शांति।